नमस्कार, मैं हूं अनिल श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज चैनल। जिला रायगढ़ के धरमजयगढ़ ब्लॉक में रेडी टू ईट पूल परियोजना के अंतर्गत समूह के अंदर आपसी मतभेद के कारण 16 क्विंटल गेहूं की गड़बड़ी सामने आई। वह मुर्रा लड्डू को चुराकर अपने घर ले जाते हैं, जिसकी जानकारी परियोजना अधिकारी श्रीमती अंजला को दी। अधिकारी ने जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जागृत स्वयं सहायता समूह धर्म जयगढ़ में महिलाओं के द्वारा अपना आवक जावक पंजीकरण व स्टार्ट पंजीकरण के 3-4 महीने से गड़बड़ियां सामने आई, जिसमें 16 क्विंटल गेहूं को गायब किया। इस गायब गेहूं को कोई विवरण नहीं है। जब पर्यवेक्षक ने भी जानकारी मांगी तो उन्होंने नहीं बताई। महिला समूह में एक ही परिवार के 2 सदस्य काम कर रहे हैं। मीडिया को गुमराह करते हुए दबंगई दिखाई। देखते हैं कि शासन क्या कार्रवाई होती है। 2011 में देखते हैं शासन की क्या कार्रवाई होती है। एटीवी न्यूज की टीम, रिपोर्ट छत्तीसगढ़। सर, मेरा तरसीला खाता। अच्छा, समूह में कितना वर्ष हो गया आपको यहाँ जुड़े हुए? मैं 2010 से कर रही सर, 7 साल हो गया। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय दे मैडम। जी, मेरा नाम लक्ष्मी पैका है। मैं 2015 से जुड़ी हूँ समूह में। 2015 से मैरिड हो या अनमैरिड? अनमैरिड। कुमारी हो जी आप? मैडम, श्रीमती सोनलता खलको है। मैं 2015 सितंबर से जुड़ी हूँ जी। आप मैडम बताइए। राम भाई यादव हूँ मैं, तो पढ़े लिखे ही हूँ। वही क्या कहते हैं, वही मेरा मंजूरी ने भी लजान था। कितना साल हुई से? वही 7। अपना परिचय देंगे मैडम यहाँ का। जी सर, मैं धर्मजयगढ़ बेहरा पारा से हूँ। कब से? किस पद पर हैं आप यहाँ पर? सर, अध्यक्ष पद में हूँ। अच्छा, नाम बताइए आपका। विजया महन। अच्छा, कितना वर्ष हो गया जुड़े आपको इस समूह में? समूह में जुड़े मेरे को 2011 में मई में जुड़ी हूँ। और अध्यक्ष पद का नियुक्त कब हुआ है? 22/12/2015 में हुआ है।